हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही कमाल का और टेस्टी नाश्ता जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो इस तरह से नाश्ता बनाएं, सभी को भाएगा भी और ये हेल्दी भी होता है, ऑयल फ्री नाश्ता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखें। तो यहाँ पर बनाया है हमने ये गेहूँ के आटे और सूजी से ऑयल फ्री नाश्ता दोस्तों। तो इसको उलटते पलटते हुए यहाँ पे हम सेक लेंगे। तो आइए चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है हाफ कप पानी। पानी हम इसकी क्वांटिटी के अनुसार लेंगे, कम या ज़्यादा हुआ तो बाद में हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर, 1 स्पून चिली पाउडर और 2 मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया था, 1/2 इंच अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था और 1 टमाटर जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है और ऐसे ही 1 प्याज को भी हमने इसमें चॉप कर लिया है। अगर आप सर्दियों में रेसिपी बना रहे हैं नाश्ता तो आप इसमें जा सारी सब्जियां डाल सकते हैं। 1/2 स्पून जीरा ऐड कर देंगे और 1/2 स्पून इसमें हमने जीरा ऐड करना है, 1/2 स्पून अजवाइन और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा आप जैसे भी खाते हो। 1/2 स्पून अमचूर पाउडर और 2 यहाँ पे मैंने बॉईल आलू लिए हैं जिनको मैंने ग्रेट कर लिया था, इनको इसमें ऐड कर देंगे। और 1/2 कप के करीब यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर, और 1/4 चौथाई लेंगे हम सूजी। सूजी मोटी पतली कोई भी चलेगी, इससे नाश्ता कुरकुरा बनता है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। अभी सारे अच्छे से हमने इसमें मसाले डाल लिए हैं तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें करीब मैं 1/2 कप और पानी ऐड कर दूंगी, करीब इसमें जाएगा पानी 1 कप के करीब। तो इसका जो हमें पेस्ट बनाना है, ना तो ज़्यादा सख्त बनाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। तो इस तरह से अगर आपका मन नहीं है कि आप रोटी की इच्छा नहीं है बनाने की तो आप इस तरह से ये नाश्ता तैयार करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसमें ऑयल का हमने बिल्कुल यूज नहीं किया है तो ऑयल फ्री नाश्ता है, सभी को भाता है इस तरह का नाश्ता। तो अच्छे से इसको सबको मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डालूँगी फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी उभर कर आती है। आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप ये डाल लें, नहीं तो आप इसकी जगह हरा धनिया का भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है फ्लेवर के लिए। अच्छे से मिक्स करके करीब 7 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी है, सूजी थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जानी चाहिए, फूल जानी चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम तड़का। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है, 1 स्पून जीरा और 1 स्पून इसमें राई डालकर अच्छे से चटकने देंगे। 4-5 ले लेंगे करी पत्ते और इसको अच्छे से तड़के को इसमें मिला लेंगे, इससे क्या है फ्लेवर काफ़ी अच्छा उभर कर आएगा और बहुत ही टेस्टी हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो सूजी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है क्योंकि इसको हमने थोड़ा रेस्ट दे दिया था। तो इसी तरह की हमें इसका बैटर रखना है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें डाला है मैंने 1 स्पून घी। आप चाहे तो 1 स्पून ऑयल का भी यूज कर ले, ज़्यादा ऑयल या घी आपको ज़रूरत नहीं है डालने की। और 1/2 स्पून डाल देंगे इसमें हम राई। राई से बहुत ही अच्छा टेस्ट उभर कर आता है। 3 से 4 करी पत्ते ले लेंगे, मेरे पास ये फ्रेश लीव्स है करी लीव्स। तो हल्का सा इन्हें चटकने देंगे, उसके बाद बैटर को इस तरह से लेंगे और थोड़ा सा ही हमने इसको लेना है इस तरह से, और छोटा छोटा सा हम ये नाश्ता अपना बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको फैलाकर इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से और इसको करीब धीरे धीरे से लो टू मीडियम पर ही हमें इसे सेकना है, हाई फ्लेम ना रखें, नहीं तो अगर तेज आंच पर आप इसे बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसमें टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए जब आप ये नाश्ता बनाएं तो थोड़ा सा गैस को मंदा रखें। और यहाँ पे थोड़े से करी पत्ते और डाल देंगे, इससे क्या है कि अच्छा लगता है नाश्ता काफ़ी देखने में भी जब आप सर्व करेंगे
बच्चों और बड़ों को सभी को ये नाश्ता बहुत ही पसंद से आता है, सभी बड़े मज़े से खाते हैं इस नाश्ते को दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देते हैं। धीरे धीरे जब ये पकेगा तो इसका कलर अपने आप ही चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो नीचे से थोड़ा कलर चेंज हो चुका है। तो अच्छे से धीरे धीरे से हमारा ये पकता जा रहा है, करीब 2 मिनट और हम इसे पकने देंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक ही बनाकर दिखा रही हूँ, फिर आप इसमें जितना भी स्पेस हो उसके हिसाब से तीन तीन भी बना सकते हो। मैं 3 बनाऊँगी फिर दोबारा इसमें। अब इसको पलट लेते हैं। तो इस तरह से ये नाश्ता हमारा दोस्तों टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी है। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है खाना तो आप इस तरह से बना सकते हैं नाश्ता। झट से तैयार होने वाला नाश्ता है और आप इसको तैयार करके बच्चों के टिफ़िन में कोई गेस्ट आए तभी भी आप इसे नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। तो फटाफट से बनने वाला हमारा ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। तो अच्छे से ये तैयार हो चुका है, लटते पलटते हुए हमने सेक लिया है और इसको निकाल लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में और भी मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐसे घी डाल के उसमें राई डाल दिया है और करी पत्ते। अभी हमने क्या करना है, बैटर लेना है और यहाँ पे मैं 3 जगह इसको बनाऊँगी। एक जगह थोड़ा हटा हटा के हम स्पेस दे दे के इस तरह से, तो एक साथ हमारा ये 3 बन जाएंगे। इसी तरह से सारे नाश्ते को हमें बना लेना है। गैस को बस लो टू मीडियम पर रखना है और जब आप ये नाश्ता खाएंगे ना दोस्तों कमाल ही लगेगा, बहुत ही बेहतरीन नाश्ता लगता है। रोज़ रोज़ रोटी खाते खाते भी बोर हो जाते हैं, तो कुछ अलग सा कर दे तो बच्चों और बड़ों को सभी को इस तरह की चीज़ें काफ़ी भाती है। अभी हल्का से इसको सेट करके छोड़ देते हैं और धीरे धीरे से जब ये बन जाएगी तो इसे अलटते पलटते हुए इसी तरह से नाश्ते को हमने सेक लेना है। तो यहाँ पे हमने अलटते पलटते हुए इसे सेक लिया है। वाओ, सुपर टेस्टी हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। जितना भी बैटर है उससे हम अभी बना लेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि बैटर बना के रख दे फ्रिज में और जब मन करे तब आप ये नाश्ता बच्चों के लिए सर्व कर सकते हैं बनाकर। तो यहाँ पे सर्व कर लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बनता है। आप इस सॉस के साथ, अक्सर मैं ऐसा नाश्ता दही के साथ ही देती हूँ बच्चों को, आप दही के साथ भी दे सकते हो इसे, बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। तो फिर थोड़ा सा इस तरह से रख के साइड में अगर कोई गेस्ट आए तब हम सर्व कर सकते हैं। वाओ, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अभी हमारा और जो बचे हुए हैं उसके भी हमने बना लिया है। तो इस तरह से आपका ये इजी और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों और फ्रेंडों में, ताकि तब सब तक ये वीडियो पहुंच सके। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। वाओ, सुपर, अंदर तक अच्छे से पका हुआ है दोस्तों और बहुत ही पसंद आने वाला नाश्ता है। थैंक यू सो मच।